नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे उमेश टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने फ़ोन की फ़ोटोज़ अपने एसडी कार्ड में डालना चाहते हो, यानी जो आपके पास मेमोरी कार्ड है उसमें अगर आप डालना चाहते हो अपनी फ़ोटोज़, तो कैसे डाल सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि फाइल्स बाय गूगल के नाम से ये एक फाइल मैनेजर है। हो सकता है कि आपके फ़ोन में ऑलरेडी फाइल मैनेजर हो और आपका फ़ोन हो सकता है वीवो हो, ओप्पो हो, रियलमी हो, मोटोरोला, कोई और अदर कंपनी हो। तो यहाँ पर सबके अलग अलग फाइल मैनेजर होते हैं, उनके जो इंटरफेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसलिए लोगों को समझने में दिक्कत होगी। यहाँ पर अगर मैं इस एप्लीकेशन के थ्रू बताता हूँ तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जो भी मेरे सामने दिखेगा वो सेम टू सेम आपको भी आपके फ़ोन में दिखेगा। तो इसलिए आपको ये वाला फाइल मैनेजर ओपन करना होगा यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद। जैसे आप इसको ओपन करते हो, ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हो, फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी फ़ोटो जिस भी फोल्डर के अंदर आपने डाल रखी है वो फोटो, आपको उस फोल्डर के अंदर आकर के उस फोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर इस फोटो को मुझे डालना, तो यहाँ पर मैंने एक फोटो सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आपको मल्टीपल फाइल्स चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर ये सारी की सारी फोटोज़ हैं, अभी तो हालांकि ये फोल्डर है यहाँ पर, लेकिन हो सकता है कि आपके सामने ये फोटोज़ दिख रही हो, तो आप यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर ये सारे एक क्लिक में सिलेक्ट हो जाएंगे, जो भी आपकी फोटो या फोल्डर या फाइल जो भी थे। अगर आप ये फोल्डर डालना चाहो तो आप फोल्डर भी ले जा सकते हो। ठीक है, मान लीजिए यहां पर कैमरे के अंदर जितने भी फोटोज हैं उनको सभी को अगर मैं लेके जाना चाहता हूँ अपने एसडी कार्ड के अंदर, तो वो मैं लेके चला जाऊंगा एक इस क्लिक में, मतलब पूरा फोल्डर में सिलेक्ट करके। लेकिन मुझे सिर्फ एक फोटो डाल के आपको दिखाना है, तो इसलिए यहाँ पर एक फोटो मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर कॉपी टू और मूव टू दो ऑप्शन दिखते हैं, तो आपको यहाँ पर कॉपी टू के ऊपर क्लिक करना है, मूव टू वाले पे नहीं क्लिक करना है। कॉपी वाले के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर एसडी कार्ड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको एसडी कार्ड सिलेक्ट करना है। एसडी कार्ड में आप किस फोल्डर के अंदर इस फोटो को डालना चाहते हो वो आपको यहाँ पर फोल्डर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर जैसे आप आ जाते हो तो उसके बाद आपको कॉपी हेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कॉपी हेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो वो फोटो आपका जो कि कॉपी हो जाएगा आपके एसडी कार्ड में। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एसडी कार्ड में आने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोटो हमारा आ चुका है अभी एसडी कार्ड के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर एसडी कार्ड और उसके बाद इस फोल्डर के अंदर ये हमारा फोटो यहाँ पर शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर सिलेक्ट करें। इसी तरीके की नई नई वीडियोस आपको डेली देखने के लिए मिलेंगी इस चैनल पर।